खबरों में है दम। सबसे पहले हम रेवा इंडिया न्यूज देखें कमलेश मिश्रा के साथ। हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। मंडला के बहुचर्चित मामले पर तीन फरार तीन गिरफ्तार। मंडला महिला थाने में प्रतिष्ठित व्यापारी के बेटे की शिकायत के बाद लगातार सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हो रहे थे और ब्लैकमेलिंग जैसी बातें सामने आ रही थी। पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की। छह लोगों के ऊपर विभिन्न धाराओं के ऊपर मामला बनाया गया है। वहीं मुस्लिम समाज काफी आक्रोश में था। विशेष सुरक्षा व्यवस्था पर आरोपियों को जिला अस्पताल से जेल ले जाते समय आरोपियों की पिटाई भी हुई। वहीं कोतवाली पुलिस लगातार तीन फरार अपराधियों की तलाश कर रही है। अब देखना यह है कि इस मामले पर और कितने आरोपी सामने आते हैं जो इस जिस्म फरोशी के काले कारोबार में संलिप्त थे। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। पुलिस के द्वारा जो है दर्ज किया गया है मामला 384, 386, 388, 120 भी आईपीसी के तहत। इसमें जो आवेदक है सिद्दीकी अहमद, इनका कहना ये था, आवेदन भी दिया इन्होंने, कि इनके जो पुत्र है उनको फंसाने के चक्कर में स्कैंडल में फंसाने के लिए लोगों से एक जो राशि की मांग की गई और जान से मारने की जो धमकी है वो भी शामिल थी। इसी के आधार पर छः लोगों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया हुआ है और इसमें अग्रिम कार्रवाई अभी जारी है। छः आरोपी में रोहित चंद्रोल हैं, अशफाक खान, शहजाद अली, दीप्ति कौर, असगर कुरैशी और साजरू रौनक खान है, निवासी सतना शामिल हैं। इसमें तीन लोगों की गिरफ्तारी इनमें से, बाकी तीन की तलाश जारी है और पुलिस जल्द ही इनको भी गिरफ्तार करेगी और इसमें अग्रिम कार्रवाई अभी चल रही है। पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें व्हाट्सएप करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9685369684। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।